भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे प्रोजेक्ट की सबसे छोटी टनल से जब बाहर निकलते हैं तो एक और ब्रिज पड़ता है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके का ब्रिज है। और ये जो सामने ब्रिज बन रहा है ये 14 स्पैन का ब्रिज है, यानी इसमें 13 खंभे होंगे और 640 मीटर की लंबाई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से काम चल रहा है। वेल फाउंडेशन बनाई जा रही है और उसके बाद इस पर खंभे रखे जाएंगे। ज़बरदस्त तरीके से ये काम किया जा रहा है, क्योंकि इस इलाके की अगर हम बात करें तो ये इलाका शिवालिक रेंज में पड़ता है। शिवालिक रेंज में सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर जो चट्टाने हैं बहुत मजबूत नहीं है, यानी सॉफ्ट सॉइल है, लिहाजा जो भी कंस्ट्रक्शन है उसको बड़ी तरीके से बनाया जा रहा है, क्वालिटी चेक बार बार किया जाता है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जब यहाँ से ट्रेन होकर गुजरेगी तो इस इलाके की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर यहाँ पर काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और जिस जगह पर हम खड़े हैं, उसकी दूसरी तरफ अगर आप नज़र डालेंगे तो ये इलाका पंजाब में पड़ता है, सूरेवाल का इलाका है। तो सूरेवाल में जो ब्रिज बनाया जा रहा है, एक बार फिर से मैं कहूँगा उसे दिखाइए। और इसमें 13 खंभे रहेंगे, साथ ही साथ 14 स्पैन का ब्रिज है, 640 मीटर लंबाई है। और जिस तरफ से ये ब्रिज ये जा रहा है, जिधर आप देख रहे हैं इस समय, ये बिलासपुर की तरफ जा रहा है। अगर हम दूसरी तरफ देखें यानी भानुपल्ली की तरफ दिखाने की बात करें तो सामने जो टनल है वो भानुपल्ली से जो रेलवे लाइन आएगी उसको दिखा रहा है। तो यहाँ पर ये काम लगातार किया जा रहा है। सबसे छोटी टनल से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे वैसे ही ये ब्रिज पड़ता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 6700 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है और हिमाचल के लिए एक बड़ी सौगात होगा, क्योंकि जिस इलाके में ये मौजूद है वहाँ पर अगर हम देखें तो नैना देवी का भी मंदिर भी पास में है, साथ ही साथ और भी चीज़ों को हम दिखा सकते हैं। नैना देवी की पीक को भी हम यहाँ से दिखा सकते हैं। जो सामने सबसे ऊंची जो पीक दिख रही है, सबसे ऊंची चोटी दिख रही है, वो नैना देवी का मंदिर है जो इस पूरे इलाके में फेमस है। पूरे इलाके की बात करें तो चाहे वो पंजाब हो या इसके साथ ही साथ हरियाणा हो या हिमाचल हो, सब जगह से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, बड़ी मान्यता है। तो यहाँ जब रेलवे लाइन पहुँचेगी तो निश्चित तौर पर टूरिस्ट को काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा, इलाके को फ़ायदा पहुँचेगा, जो तीर्थयात्री हैं उनको भी सीधे सीधे आने में सहूलियत होगी। कैमरामैन डीके शर्मा के साथ सिद्धार्थ, न्यूज़ स्टेशन गंभीरपुर।